बड़ी खबर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित नवनिर्वाचित अभिनेत्री कंगना रनौत को एक महिला सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि महिला सीआईएसएफ जवान ने चेकिंग के बाद कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। नवनिर्वाचित सांसद महिला अभिनेत्री कंगना रनौत का आरोप है कि जब वो चेकिंग से बाहर निकली, तभी महिला सीआईएसएफ कर्मी ने उन्हें थप्पड़ जड़ते हुए भद्दी भद्दी गालियां भी दी। जब उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो बताया गया कि महिला सीआईएसएफ कर्मी किसानों पर दिए बयान से खिन्न थी। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीजी सीआईएसएफ ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। नवनिर्वाचित सांसद महिला अभिनेत्री कंगना रनौत का आरोप है कि जब वो चेकिंग से बाहर निकली, तभी महिला सीआईएसएफ कर्मी ने उन्हें थप्पड़ जड़ते हुए भद्दी भद्दी गालियां भी दी। जब उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो बताया गया कि महिला सीआईएसएफ कर्मी किसानों पर दिए बयान से खिन्न थी। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीजी सीआईएसएफ ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली, तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था।